हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद अपने चैनल लर्न एंड अर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो अपने आप क्लोज होता है या नहीं होता है, क्योंकि आपके बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस मिले हैं, कमेंट मिले हैं। मैं लगातार आपके कमेंट के ऊपर में ही वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही था कि सर, मेरा बैंक अकाउंट क्या अपने आप क्लोज हो सकता है अगर मैं काफ़ी दिनों से उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरा बैंक अकाउंट अपने से जो है क्लोज हो जाएगा? ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो है मैं आपको ये पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ कि आपका बैंक अकाउंट खुद से जो है बंद होता है या फिर नहीं होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 24 मंथ तक, 24 महीने तक अगर आप अकाउंट में कोई भी काम नहीं कर रहे हो, किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, तो आपका बैंक अकाउंट जो होता है इन ऑपरेटिव हो जाता है, वो डोरमेंट अकाउंट कहलाता है, ठीक है, इस केस में। लेकिन वो अपने आप जो है आपका बैंक अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं होता है, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब जो है बैंक अकाउंट में जो है आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है मेंटेन वहां पर करना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपको जो है पेनल्टी देना पड़ता है, आपको जो है उसका एक्स्ट्रा चार्ज जो है बैंक को पे करना पड़ता है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया है। तो अब ऐसा होगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है और आप मिनिमम बैलेंस, अगर एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो आपके जो है जो भी उसमें थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है उसमें से अपने आप जो है पेनल्टी कटते जाएगा, कटते जाएगा, कटते जाएगा, और कटते कटते वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप अकाउंट में कुछ काम नहीं कर रहे हो तो फिर जो है आपका जो अकाउंट में बैलेंस निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, वो आपका निगेटिव हो जाएगा, लेकिन आपका बैंक अकाउंट क्लोज नहीं होता है। ऐसे केस में आप बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपने अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट जो है आराम से बंद हो जाएगा, हमको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर टेंशन लेने वाला बात है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में जो है निगेटिव बैलेंस हो जाएगा, मिनिमम जो बैलेंस अगर आप उसमें मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो जब आप बैंक अकाउंट जाओगे, बैंक अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप बैंक में जाओगे, तो आपको वो जो भी चार्जेस है आपको बैंक को चुकाना पड़ेगा। जो भी उसमें चार्ज बन रहा है, अलग अलग बैंक में अलग अलग मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो जब तक आप बैंक को पैसा नहीं दोगे तो वो आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला नहीं है, और आपको देना ही पड़ेगा वो पैसा। बैंक आपसे वो जो है वसूल लेगा कभी भी, ठीक है। तो अपने आप नहीं, इसलिए आपको इस चीज़ का टेंशन होना चाहिए। अगर कोई बैंक अकाउंट अगर आप मान लो यूज नहीं कर रहे हो, वो आपके किसी के काम का नहीं है, तो आप बैंक में जाइए और बैंक के अकाउंट को क्लोज करवाइए। क्लोज करवाने का सारा वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था, मैंने आई बटन में जो है बैंक रिलेटेड वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से वॉच कर लेना, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन का है, और इसमें आप अगर बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो और ऐसे ही घर में बैठे हुए हो, सोए हुए हो, तो टेंशन लेना है आपको, जाना है बैंक। और जो भी आपके जो भी अगर उसमें मिनिमम अगर आपका नहीं मेंटेन किया है और निगेटिव बैलेंस है, तो आपको बैंक को चुकाना पड़ेगा। अगर आपका निगेटिव बैलेंस नहीं है और उसमें कुछ बैलेंस आपने पहले से रखा हुआ है, मान लीजिए 3,000 4,000 जो भी पैसा रखा हुआ है, आप जो है बैंक से ले सकते हो। आप बैंक में जाके जो है चेक के माध्यम से, किसी या किसी दूसरे माध्यम से, एटीएम के माध्यम से वो पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद जो है आप उस बैंक अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ निगेटिव बैलेंस आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं आपने उसको मेंटेन किया है, तो बैंक को चुकाना पड़ेगा, देर सवेर आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए घर में आप ये सोच के मत बैठिए कि आपका ऑटोमेटिकली अपने से बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी बैंक अकाउंट अपने आप क्लोज नहीं होता है। बैंक अकाउंट जब क्लोज होगा, मान लीजिए, तो बैंक आपको जानकारी देती है ईमेल के माध्यम से, मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से, ठीक है, या फिर आपके घर के एड्रेस पर जो है लेटर भेजेगी बैंक, तब आपको सूचना मिलेगा कि बैंक अकाउंट बंद होने वाला है। ऐसे ही अपने आप तो कोई बंद नहीं होता है, लेकिन जब से आपको ये मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है यहाँ पर मेंटेन करना है, तब तो और भी आपको, पहले तो अपने आप शायद हो भी जाता होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं है। आपको जो है सारा कुछ लेन देन वहाँ बराबर करना होगा, सारा कुछ ड्यूज वगैरह है सब अपना लेन देन बराबर कर लीजिए, उसके बाद ही आप जो है उसको क्लोज कर सकते हो। इसलिए आपको बैंक को विजिट करना जरूरी है अगर आपको बैंक अकाउंट को क्लोज करना है। आपका बहुत सारा मुझे क्वेश्चन मिला था, तो
मैंने जो है क्या किया, कल मैंने बैंक को कॉल जो है बैंक से बात भी किया था इस बारे में, तो मुझे ये पूरा जानकारी मिला वहाँ से, और ये चीज़ मैं आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जानकारी आप हमेशा जो है याद रखिए, और दूसरे लोगों को भी आप जो है बताइए, और जो है और भी कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा बैंक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे आप बताइएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप जो है कमेंट कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए दोस्तों। अगर आप मुझसे फ़ोन पर पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन, तो आप जो है गूगल एक एप्लीकेशन है कॉल मी फॉर एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्वेश्चन डाउट एडवाइस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले वॉच करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।